तो ये बेटा, ये जो हमारा लेक्चर है क्लास 7 MRCT स्कूल, ये जो भी लेक्चर है बेटा, ये पूरा रिकॉर्ड होगा, ठीक है? और आपने बेटा ये नोट कर लो, चुप रहना पहला ऊपर सबने नोट करना है। के एडिकॉन, ई लर्निंग, देखिए। के एडुकॉन ई लर्निंग 7th B बेटा, एकदम क्वाइट। सो ये नोट कर लेना, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर यूट्यूब चैनल, के एडुकॉन ई लर्निंग, ठीक है? ये आपका सारी क्लास, ये जो क्लास है ये सारी की सारी रिकॉर्ड होगी, एंड यू कैन विजिट दिस साइट फॉर योर लेक्चर। कोई चीज आपको नहीं समझ में आई कुछ, वैसे तो हम हैं, आप हमसे कल आकर पूछ सकते हैं, बट यू कैन विजिट, यू नो, कि ये लेक्चर आपके क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे। सो यू कैन गो, सबके पास मोबाइल्स है, सबके पास कंप्यूटर्स है, राइट? तो आपने क्या करना है, घर जाकर कुछ नहीं समझ में आता एक बार रिविजिट कर लेना इसको। जब इस चैनल पे देखोगे ये सारा लेक्चर होगा, जो चीज नहीं समझ में आई वो समझनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, असाइनमेंट आपने रोज लेकर आनी है। 2-3 रूल्स है बेटा। एक तो ये के दुकान, ये यूट्यूब पे जाके आप विजिट कर सकते हो। दूसरा, असाइनमेंट डेली लेके आनी है, हमने क्लास में करनी है असाइनमेंट। तीसरा, क्लास में पूरा डिसिप्लिन, कुछ इधर उधर क्लास में उठ के नहीं जाना, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, नहीं, इस क्लास में नहीं, है ना? यू आर ग्रोन अप चिल्ड्रन, ठीक है? अब आप सारा लंच लुंच करके क्लास में आए हैं, तो एकदम बिल्कुल हमने जो 1 आवर है, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स, हमने पूरी कॉन्सेंट्रेशन से मजे से करना है। हर रोज हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ ऑडियो विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इज इट ओके? एंड वी विल ट्राई टू, यू नो, टू गिव यू न्यू थिंग, राइट? कोई भी नई चीज जो है हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? और क्लास में इधर उधर मूव नहीं करना कि कोई क्लास में से उठ के बच्चा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, नहीं, क्लास में बैठना है, नहीं तो इट डिस्ट्रैक्ट्स टीचर, ठीक है? आर यू रेडी? रेज योर हैंड्स। यस, वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। और अब ये देखो कि अब जैसे ही हमने ये चैप्टर खत्म करना है, एक चैप्टर एक कंसेप्ट, हैंड्स डाउन, थैंक यू बेटा, तो हमने क्या करना है, इसका टेस्ट होगा बेटा, MCQ टेस्ट होगा, छोटा सा सब्जेक्टिव भी हो सकता है, बट ट्राई कि भी हमने पूरे फोकस होके काम करना है, ताकि टेस्ट में पूरे मार्क्स आए, तभी हमारा पढ़ाने का फायदा है, तभी हमारा आपको नई चीज बताने का फायदा है, ठीक है? तो टेबल पे हमें बुक्स नहीं चाहिए, वी डोंट नीड बुक्स, वी डोंट नीड कॉपीज, वी नीड असाइनमेंट, योर कॉन्सेंट्रेशन एंड 1 पेन और पेंसिल, वट एवर इट इज, कोई बॉटल, कोई पेंसिल बॉक्स, सब अपने बैग्स में रखो, ताकि आपका इधर उधर ध्यान ना जाए, इधर उधर गिरे ना। एक असाइनमेंट, एक पेन या पेंसिल, जिससे भी आप काम करते हैं, टेबल क्लियर होना चाहिए। देखो आपको भी अच्छा लगेगा काम करने में, कि कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये खोलें ये खोलें, ऐसा करें वैसा करें, नहीं। वेरी गुड, 7th क्लास बेटा, थोड़ा सा मैं लेक्चर आज का, क्योंकि हम पहली बार मिले हैं, थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे कि 7th क्लास जो है बेटा, कुछ क्लासेस होती है जिसमें लेवल एकदम इम्प्रूव होता है, आपका माइंड भी वैसे ही ग्रो करता है उसके अकॉर्डिंग। बेटा देखो कहाँ पे मेरा जो है, चलिए, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा सिलेबस बना है, राइट? जब आप 7th में गए हो, 12-13 इयर्स की एज है, योर माइंड ग्रोज एंड लाइकवाइज योर सिलेबस आल्सो ग्रोज। एक 7th क्लास, 9th क्लास एंड 11th क्लास, दीज आर द 3 क्रूशियल क्लासेस, ठीक है? 6th में इससे पहले ठीक था, 7th में एकदम लेवल इंप्रूव होता है, एकदम लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेशन से काम करेंगे तो इट विल बी गुड, यस और नो? चलिए जी, तो अब हम जो है, ये हमारी, मैंने आपको कहा था स्टोरी पढ़ो, पर चलो मैं आपको इन
शॉर्ट जो है वो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे पास देयर वॉज वंस थ्री किंगडम्स। किंगडम होता है साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य जो होते हैं, बड़े बड़े देश होते हैं, इस तरह से हम बात कर रहे थे। किंगडम, प्लांट्स, वेयर ओनली प्लांट्स वर लिविंग। देन देयर वॉज किंगडम ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पे सिर्फ एक इमेजिन ही करना है हमने, कोई ऐसी बात नहीं है। किंगडम ऑफ ह्यूमंस एंड देयर इज किंगडम ऑफ बर्ड्स। यू नो किंगडम प्लांट्स, थोड़ा सा आपको आई होप वैसे देख लो, अगर बहुत ज्यादा नहीं भी क्लियर है तो लिखा तो हुआ ही है ये। किंगडम प्लांट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। यू नो द थिंग्स, वेरियस फूड आइटम्स, वेरियस गैसेस, दे गो फ्रॉम किंगडम प्लांट्स, दे आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम किंगडम प्लांट्स टू ह्यूमंस एज वेल एज बर्ड्स। ह्यूमंस एंड बर्ड्स दे यूजुअली गो टू दिस किंगडम फॉर यू नो फॉर ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रिप्स और लॉन्ग ट्रिप्स, फॉर देयर हॉलीडेज, राइट। ह्यूमंस यू नो दे आर वेरी सेल्फिश, दे फाइंड दिस किंगडम ग्रीन ब्यूटिफुल एंड वेरी फ्रेश। सो व्हाट दे डिसाइडेड दैट वी शुड क्लियर सम लैंड ऑफ दिस किंगडम एंड स्टार्ट बिल्डिंग अवर होम्स, राइट। सो उन्होंने, ये लोग यहाँ पे आए और प्लांट्स को मारना शुरू कर दिया, यहाँ पे अपने घर बनाने शुरू कर दिए। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, दे ऑब्जर्व दैट दिस किंगडम इट इज नॉट रिसीविंग सफिशिएंट फूड, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो बिकम्स पोल्यूटेड, ड्यू टू विच ह्यूमंस दे स्टार्ट डाइंग, राइट। सो दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। ह्यूमंस जो है दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, दे शिफ्टेड टू देयर ओन किंगडम एंड टोल्ड प्लांट्स दैट वी विल नॉट डिस्टर्ब यू अगेन, राइट। सो इट इज ओनली किंगडम प्लांटी विच, या प्लांट्स विच एक्सपोर्ट्स, इट डज नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग, राइट। वाई इट डज नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग, बिकॉज ओनली प्लांट्स आर, यस एवरीबॉडी, दे आर क्या है ये, ऑटोट्रॉफिक की हेटरोट्रॉफिक? यस दे आर ऑटोट्रॉफिक, राइट। सो ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द नेचर एंड कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वेयर एज ह्यूमंस और यू कैन से एनिमल्स एंड बर्ड्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली फॉर फूड, फॉर फ्रेश एयर, फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। इज इट ओके? यस। चलिए जी, नेक्स्ट इज, टेल मी दिस लायन, कैन यू सी दिस? ओके, लायन एंड टाइगर, दिस इज लायन, राइट। दिस लायन यू नो इट ईट्स डियर, राइट, ये खाता है इसको, राइट। सो लायन डज नॉट फीड ऑन प्लांट्स, बट इफ ऑल प्लांट्स डाई, डियर विल नॉट सर्वाइव, दैट्स राइट, बट विल द लायन सर्वाइव? नो लायन विल नॉट सर्वाइव, बिकॉज इफ देयर आर नो प्लांट्स देन डियर विल डाई। कुछ टाइम तक तो ये जानवर, ये लायन मरे हुए डियर को खाएगा, बट जब आगे डियर नहीं होंगे देन लायन विल ऑल्सो डाई। सो कैन यू से दैट ऑल एनिमल्स, दिस इज यू नो, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज हर्बीवोरस, यस, एंड दिस वन इज कार्निवोरस, वेरी गुड, दिस इज हर्बीवोरस, दिस इज कार्निवोरस।
कार्निवोरस एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, यस और नो? यस, बट कार्निवोरस एनिमल्स इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, एम आई राइट? रेज योर हैंड, वेरी गुड। हाथ वेरी गुड, खड़ा करते रहोगे ना तो सबको एक एक्टिव रहोगे, ठीक है? वेरी गुड, पुट डाउन है योर हैंड्स। सो ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। ये दो चीजों के लिए सारे एनिमल्स जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, सिर्फ यही प्रोड्यूसर्स है, वेयर एज दीज टू आर, वेरी गुड, सो ओनली प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, वेयर एज दीज टू आर कंज्यूमर्स। इज इट ओके सेवंथ जी? ओके सेवंथ जी, ठीक है जी। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, अदर्स आर कंज्यूमर्स। अब हम एक डेफिनेशन करेंगे जो ध्यान से सुनना है आपने, कि हमने बात की ऑटोट्रॉफिक। ध्यान से सुनना है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स अभी आप कहते हो कि दे यू नो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हम भी तो अपने किचन में खुद खाना बनाते हैं, फिर हम ऑटोट्रॉफ्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट से लेते हैं, मेनली डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो ऑटोट्रॉफ्स हम क्या कहेंगे? विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान से ये मेरी बात, आप कहोगे इसमें कोई नया नहीं है चीज, है ना? दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट इज राइट, बट क्या सोचने वाली चीज है कि विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स टेकन फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये जितना ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब कहाँ से लेते हैं? एनवायरमेंट से लेते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लेते। इधर ध्यान से, एवरीबडी हियर, नीचे छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, सब इधर ध्यान दो, ठीक है जी? सो दे टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेयर एज हेटरोट्रॉफ्स, एवरीबडी हियर, हेटरोट्रॉफ्स क्या है? हेटरोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉप्स, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन वन और मोर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जैसे पूरे का पूरा खाना प्लांट से लेते हैं तो वी आर हेटरोट्रॉफ, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स, आगे चल के आप हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स पढ़ेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है जैसे, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं? दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट। तो वो बाकी तो खाना खुद बना रहे हैं, बट एटलीस्ट फॉर वन न्यूट्रिएंट दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम। दैट्स व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर,
दे आर हेटरोट्रॉप्स, दे आर हेटरोट्रॉप्स बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स एटलीस्ट फॉर वन न्यूट्रिएंट, दैट इज नाइट्रोजन. इज इट ओके? सेवंथ डी. सेवंथ एफ, इज इट ओके? एंड सेवंथ बी, ठीक है जी. चलिए, सो दिस इज अबाउट ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. आई थिंक इट्स क्लियर. हाँ जी, सेवंथ बी बेटा, शरारत नहीं, बिल्कुल इधर, कोई इधर उधर से किसी ने कुछ नहीं लेना. अब बेटा हम बात, मैंने आपसे बात की थी स्टेम की, स्टेम शुरू में, वो स्टेम पेड़ वाली स्टेम नहीं, दिस इज एन एब्रीविएशन स्टेम. आजकल जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमारी गवर्नमेंट ने प्रपोज की है, वो इस पे बात कर रही है. स्टेम ये एब्रीविएशन है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. तो बायोलॉजी, बायोलॉजी यू नो, जो हम प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज बायोलॉजी. बट एक्टिविटीज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इधर ध्यान से सुनना है, जो वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बायोलॉजी है, दे आर नॉट, यू नो, हम वो ये नहीं कह सकते वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है. दे आर रिलेटेड विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो. तो हम जब हम प्लस वन में जाते हैं ना बेटा, और बच्चा एक मेडिकल लेता है, तो उसको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी, और साथ में बायो भी. तो बच्चे बड़े तंग आते हैं, अभी हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी पड़ रही है, इतने सारे न्यूमेरिकल्स करो, इतना सारा कुछ करो, लाइट है ना, वेव्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी, इतना कुछ क्यों पढ़े? बिकॉज हमारी बॉडी में वो सब कुछ हो रहा है, ठीक है. अगर आंखों में देखें तो लेंसेज है, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ऑफ फिजिक्स. अगर हम डाइजेशन देखें, रेस्पिरेशन देखें, तो वहां पे रिएक्शंस हो रहे हैं. अगर हमें केमिस्ट्री नहीं आएगी तो वो हमें रिएक्शंस नहीं आएंगे. इज इट ओके? ठीक है, जो हम चल रहे हैं, हम अपनी बाजुएं मोड़ रहे हैं, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन फिजिक्स कंसेप्ट. कि लिवर्स, आगे चल के आप करेंगे लिवर्स के बारे में, लिवर वो वाला नहीं जो हमारी बॉडी में है, लिवर, LEVER, है ना, लिवर्स के बेस पे हम ये अपनी बॉडी के जो पार्ट्स है वो मूव करवा सकते हैं. इज इट राइट? सो बायोलॉजी कैन नॉट बी अलोन, ठीक है, इट कैन बी स्टडीड ओनली अलोंग विद, ओनली तो नहीं कहेंगे, बट इट कैन बी स्टडीड अलोंग विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो. क्योंकि मैथमेटिक्स तो हर जगह है. अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मुझे आगे चल के ये चीज नहीं करनी, मैंने तो मैथ्स पढ़ना नहीं, बेटा बट कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, मैथ्स इज एवरीवेयर. तो इसलिए मैथ्स तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ो, बड़ा मजेदार चीज है, क्योंकि वो लिखने वाली करने वाली चीज है, करते चलो स्टेप बाय स्टेप, मैथ आ जाता है, ठीक है जी. चलिए, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, इंटरडिसिप्लिनरी. इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है बेटा? कि बायोलॉजी फिजिक्स के साथ, या फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फिजिक्स के साथ रिलेटेड कैसे है, केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड कैसे है, वो मैं आपको बताऊं. जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में हम क्या बोलते हैं बेटा, कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू फूड एनर्जी, यस और नो? रेज योर हैंड, डू यू एग्री? वेरी गुड. सो फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू फूड एनर्जी, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. बट इट फेवर्स लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. क्या है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है बेटा, ये कहता है कि एनर्जी इज Neither created nor destroyed. ये बेटा स्पेलिंग, nor destroyed. बट इज कन्वर्टेड इंटू वन फॉर्म इंटू अनदर, है ना बेटा. हम ये अपने इंडियन कल्चर में हम क्या कहते हैं कि हम मिट्टी पानी हवा से बने हैं और अल्टीमेटली उसमें ही मिल जाएंगे. दिस वी से, यस और नो?
हम कहते हैं अगर हम अपने ग्रंथ पढ़े, कुछ भी पढ़े, रिलीजियस बुक्स पढ़े, हम कहते हैं हम पांच तत्वों से बने हैं, फाइव एलिमेंट्स से बने हैं, और मरने के बाद हम उन्हीं फाइव एलिमेंट्स में मिल जाएंगे। तो इसलिए एनर्जी जो है, थर्मो मीन्स एनर्जी, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ओनली सन। कुछ भी है ना, हम कहीं वाटर से एनर्जी ले रहे हैं, इससे एनर्जी ले रहे हैं, नहीं, वो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ से एनर्जी आ रही है, सन से ही आ रही है। सो वन सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है। सो इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी, प्लांट्स, प्लांट्स आर द मेन ऑर्गेनिजम्स या ओनली ऑर्गेनिज्म जो इस सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करने की उनमें क्षमता है, उनमें एबिलिटी है। ओनली प्लांट्स आर एबल टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज फूड एनर्जी। बाकी कोई नहीं कर सकता, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है। वो ठीक है कि सोलर प्लांट्स है या सोलर कुकर्स है और सोलर लाइट्स है, बट उसमें फूड नहीं बनता, वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो रही है, दैट इज ए सेपरेट इशू। बट सोलर एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में चेंज करने की एबिलिटी किस में है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में है। इज इट राइट? रेज योर हैंड्स इफ आई एम राइट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, पुट डाउन योर हैंड। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। एंड फोटोसिंथेसिस फॉलो दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। सोलर एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? यू नो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर, इट ज्वाइंस टू फॉर्म, रिमेंबर दैट दिस इज ग्लूकोज, स्टार्च नहीं अभी बनता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो लाइट एक्चुअली क्या कर रही है? सनलाइट एनर्जी दे रही है, और वो एनर्जी इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। एंड दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, राइट। सो फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट किस तरह से हो रही है? केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये प्रोसीड कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है बट केमिकल रिएक्शन है, और फिजिक्स का वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो कर रही है। इज इट क्लियर? कोई आपसे पूछेगा कैसे फोटोसिंथेसिस रिलेटेड है फिजिक्स से, तो आप क्या कहोगे? कि इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, एंड दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वन मे आस्क यू हाउ इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, बट यू विल से दैट फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। वन मे आस्क यू विच केमिकल रिएक्शन? सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जिसको नहीं पता वो एक बार लिख लो ये CO2, अपने असाइनमेंट में ही ऊपर करके लिख लो कि फोटोसिंथेसिस का क्या रिएक्शन, असाइनमेंट पे ही लिखना है, कहीं और नहीं लिखना हमने, ताकि जब भी आपने रिवाइज करना है इन असाइनमेंट को रिवाइज करो, और बेटा इन्हीं असाइनमेंट्स में से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे MCQ, तो बहुत ही ध्यान से करना है। CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्म्स ग्लूकोज, ग्लूकोज इज, यस एवरीबडी स्पीक, C6H12O6, अब अपने मन में थोड़ा सा रिवाइज करो, C6H12O6, C6H12O6, देखना कल तक आपको याद हो जाए। कल तक क्या, अभी क्लास के बाद वन में आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, ओके।
ठीक है जी। तो अब नाउ व्हाट हैपन्स इन फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी सनलाइट, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, दे एब्जॉर्ब वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल एंड सिंथेसाइज शुगर। लीव्स में क्या बन रहा है? शुगर बन रही है। व्हाट इज शुगर? शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट। सिक्स क्लास में आपने पढ़ा है शुगर का दूसरा नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस में बना? शुगर, दैट इज ग्लूकोस। ग्लूकोस इज फॉर्मड इन फोटोसिंथेसिस। इज इट ओके? क्लियर एवरीबडी? बट अब बात आ जाती है, वेरी गुड वेरी गुड, सेवंथ है। चलिए जी, अब बात आ जाती है बेटा कि हम तो स्टार्च पढ़ते आए हैं, यस और नो? बुक्स में भी आपके स्टार्च स्टार्च बहुत लिखा हुआ है। सिक्स क्लास में भी आपने पढ़ा जब ग्लूकोस कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो स्टार्च के बारे में ही पढ़ा। आयोडीन टेस्ट करो, स्टार्च स्टार्च स्टार्च। सो व्हाट इज दिस स्टार्च? दिस इज, यू नो, दिस इज वन ग्लूकोस मॉलिक्यूल, अनदर ग्लूकोस मॉलिक्यूल, अनदर। ये सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स हैं। ये जब आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे बीड्स की, मोतियों की एक माला बन जाती है, इस तरह से जब ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स आपस में, हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी ब्रांचेस है, इस तरह से बहुत हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स, दे ज्वाइन विद ईच अदर, देन दे फॉर्म स्टार्च, राइट? बेटा आपने कभी देखा कि आपके पास ना बहुत सारे मोती हो, अगर बहुत सारे बीड्स है, सुच्चे मोती आपको कहीं से मिल गए, हमने बहुत सारे है, डिब्बे भर के है, तो आपको अब वो एक एक करके गिन नहीं सकते? कैसे गिने, कैसे रखें? तो आपकी मम्मा कहेंगी कि कोई बात नहीं, एक मोटा सा धागा लाओ, उसके अंदर ये सारे मोती डाल दो, तो वो संभाल के रखे जाएंगे। यस और नो? इज द इजिएस्ट वे? वेरी गुड, हैंड्स डाउन इट इज द इजिएस्ट वे टू स्टोर दैट बीड्स। ठीक है, तो बीड्स को धागे में डालो और माला सी बना के एक जगह रख दो, बिखरेंगे नहीं और जगह भी थोड़ी लेंगे। कहां तो डिब्बा पूरा भरा था मोतियों का, जब हमने माला बना दी तो वो कोने में पड़ी रह। तो अब मुझे ये बताओ, यस हु विल टेल मी, मैं अब आंसर पूछूंगी किससे, कि प्लांट्स के लिए ज्यादा अगर कुछ स्टोर करना है, ऐसे नहीं बोलना, आई विल आस्क, स्टोर करना क्या इजी रहेगा, ग्लूकोज की स्टार्च? यस, सेवन सी, इट्स सिमरन, सेवन सी सिमरन। सिमरन माइक के पास आओ बेटा। व्हाट विल बी इजी टू स्टोर, इज इट ग्लूकोज की स्टार्च? जोर से बोलो बेटा। बेटा प्लांट्स के लिए स्टोर करना क्या इजी रहेगा? देखो सेवंथ एफ के हाथ खड़े हैं, सेवंथ ए में भी कई बच्चों के हैं, वेरी गुड, इतने सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, दिस आई एम ग्लैड टू सी। चलिए सेवंथ एफ में से, सेवंथ एफ में से बेटा राइट साइड पे जो फर्स्ट बॉय है वो आके बताए मुझे बेटा। कोई सा लड़का आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, जो माइक पे आ जाए कॉर्नर में, जल्दी से जो सेवंथ एफ। स्टार्च स्टार्च, वाई बेटा बताओ, थोड़ा जल्दी से रीजन भी बता दो।
कैन यू टेल मी? बिकॉज यस, सेवंथ एफ मिडल रो फर्स्ट बॉय, वेरी गुड. बॉस लीव स्टोर स्टार्च नहीं, लीव्स क्यों? व्हाई दे स्टोर स्टार्च? ग्लूकोज ही स्टोर कर ले, क्या जरूरत है इतनी मालाएं सी बनाने की? बिकॉज बेटा, बैठो बेटा, वेरी गुड, स्टार्च स्टोर करता है, बैठो. बिकॉज स्टार्च इज इजी टू बी स्टोर्ड, राइट? स्टार्च को हम इजीली, क्योंकि वो माला बन गई है. अगर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज स्टोर करने तो बहुत सारी जगह लेंगे, जबकि अगर हमने उसको बॉन्ड कर दिए, इकट्ठे इकट्ठे कर दिए, तो वो थोड़ी जगह में स्टोर हो जाएंगे. तो हम कहेंगे, कोई आपसे पूछे कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? बोलो जल्दी से. नॉट ग्लूकोज स्टार्च बेटा, यस, एंड प्रोडक्ट. ये लिख लेना है, अपने माइंड में लिखना है, कॉपियों में तो लिखो या ना लिखो, अपने माइंड में. एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. बट व्हाट इज द स्टोर्ड फूड? यस, स्टोर्ड फूड इज, यू नो, इट इज स्टार्च. व्हाई स्टार्च? बिकॉज इट इज इजी टू बी स्टोर्ड. ठीक है, इज इट ओके? राइट, ठीक है, डन. जिसने लिखना था लिख लिया. एंड रिमेम्बर दैट, चलो ये भी लिख लेना कि स्टार्च इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स. ग्लूकोस एक बीड है और स्टार्च उन बीड्स की चेन है. इज इट ओके? यस चलिए, अब बात आ जाती है बेटा. एज आई हैड टोल्ड यू दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? दिस इज, एज आई हैड टोल्ड यू, कि अर्थ पे या यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम सभी प्लैनेट्स पे अगर एनर्जी है, तो वो किसकी एनर्जी है? दैट इज सन की एनर्जी है. सन में से, यू नो, ये सन है, ठीक है, और ये आपको पता है कि यहां पे थर्ड वाला जो प्लेनेट है वो अर्थ है. यहां पे मरकरी, वीनस, ये है और ये है अर्थ, राइट? वीनस को जनरली हम सिस्टर प्लेनेट कहते हैं अर्थ का, क्योंकि दोनों का साइज सेम है. चलो, मैंने तो ऐसे ही दिखाया है, ठीक है. और बीच में ये क्या है? ये स्पेस है, खाली स्पेस है, जहां कुछ नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं. सन से जो है बेटा, सन से जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है वो बहुत सारी है. कुछ जो है स्पेस में ही रह जाती है और कुछ अर्थ तक पहुंच जाती है. होल ऑफ द सनलाइट डज नॉट रीचेस अर्थ, है ना? ये आपको दिख नहीं रहा होगा, बट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ, ये स्पेक्ट्रम है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, बहुत सारी रेडिएशंस है सन से. बट अर्थ पे कौन सी पहुंच रही है? सिर्फ विजिबल रेज. विजिबल रेज को चेंज करती है. सोलर लाइट हैज मेनी रेडिएशंस, मेनी टाइप ऑफ रेज, सच एज एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, यूवी लाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट ओनली
visible radiations reaches the earth. Is it okay? Which radiations reaches the earth? Radiations. Very good. But jo visible radiations hai, jo visible light hai beta, उसको हम व्हाइट लाइट भी कह देते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट लाइट. सो द सन रेज रीचिंग द अर्थ इज व्हाइट लाइट और विजिबल रेडिएशन. इज इट ओके? ठीक है जी. तो सारी सनलाइट, डज होल ऑफ द सनलाइट, वेरी गुड, होल ऑफ द सनलाइट रीचेज द अर्थ? Only one type of radiation, that is visible radiation, reaches the earth. Now you know, when this sunlight during rainy days passes through raindrops, है ना, आप करेंगे, आपने अभी रेनबो नहीं किया, आप शायद इस साल करेंगे तो, but anyhow, कि जब वो रेन ड्रॉप्स के थ्रू पास करती है सनलाइट, तो वहां पे जाके वो स्प्लिट हो जाती है और हमें रेनबो नजर आता है. व्हाइट लाइट, सनलाइट व्हेन पासस थ्रू रेन ड्रॉप्स, इट स्प्लिट्स इनटू सेवन कलर्स दैट फॉर्म रेनबो. एंड व्हाट आर दोस सेवन कलर्स? दीज आर द सेवन कलर्स कॉल्ड एज विबग्योर. ओके, देखा है ना रेनबो आपने? ऑल्दो आपको सारे कलर्स नहीं नजर आते, बट उनमें सेवन कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. विबग्योर सुना है आपने? जिसने सुना है रेज योर हैंड. फ्यू स्टूडेंट. चलिए अब तो सुन लिया बेटा, अब तो सबको है ना, अब सुन लिया. वेरी गुड, पुट डाउन योर हैंड्स. सो विबग्योर याद रखना है, विबग्योर, इट इंडिकेट्स सेवन कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये सारे कलर्स आप कभी देखना कि ये सारे कलर्स अगर आप इक्वल अमाउंट में मिलाओगे तो हमारे पास व्हाइट कलर आ जाता है. ठीक है, तो दिस व्हाइट लाइट इट स्प्लिट्स इनटू सेवन कलर्स. इसका मतलब व्हाइट लाइट में एक कलर नहीं है, सेवन कलर्स है. ठीक है, अब नाउ यू कैन सी रेड कलर ऑफ माय सूट. यू मे नॉट सी क्योंकि थोड़ा सा डार्क लग रहा है. तो चलिए, मेरे पास अब हम क्या करते हैं, ये लीफ ही देख ले. जब सनलाइट लीफ पे पड़ी क्या हुआ? लेट्स सी दैट. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस व्हाइट लाइट इट इज फॉलिंग ऑन द लीफ. कोई भी चीज है ना, किसी दीवार पे आप कुछ फेंके, है ना, कच्ची दीवार हो, लेट अस से मिट्टी लगी हुई है, तो कुछ चीजें तो उसके अंदर धस गई और कुछ चीजें, बॉल आपने घेरी, छोटी छोटी बॉल, तो कुछ छोटी छोटी बॉल्स उसके अंदर एम्बेड हो गई और कुछ बाउंस बैक होकर आपके पास आ गई. इसी तरह से जब लाइट जो है किसी भी, नॉट ओनली लीफ बट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो सम लाइट इट बाउंसेस बैक, है ना. ये आपने क्लास सिक्स में पढ़ा है कि लाइट किसी भी चीज पे पड़ती है, ठीक है, तो वो कुछ लाइट की कुछ रेज एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ बाउंस बैक कर जाती है. व्हाट इज दिस बाउंस बैक लाइट कॉल्ड एज? मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ. Absorbed light, की reflected light, दो ही options हम देते हैं. ये लिखा भी हुआ है. So reflected light, जो light बाहर आ जाती है किसी surface से टकरा कर, जो बाहर आ गई, bounce back हो गई, that is called as reflected light. And this reflected light reaches our eyes and we can see the color. अगर मैं ये आपको red नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये red color जो है reflect हो रहा है board से
एंड यू कैन सी यू नो रेड कलर. इसी तरह से जब लीव के ऊपर व्हाइट लाइट जाती है तो सारी की सारी ग्रीन लाइट जो है वो बाउंस बैक रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंड दैट इज व्हाई वी सी, कौन सा कलर देखते हैं हम लीव का, ग्रीन कलर देखते हैं. ठीक है, बट हम जो है, हम कुछ लीव्स जो है यू नो कुछ हमें डिफरेंट कलर के लीव्स देखते हैं कि नहीं. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें क्लोरोफिल के साथ साथ आप कहेंगे ग्रीन कलर क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रही है. तो इन लीव्स में क्लोरोफिल के साथ साथ और भी कुछ पिगमेंट्स है जिसकी वजह से ग्रीन लाइट तो रिफ्लेक्ट हो रही है. दे आर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट जो है, सनलाइट इनके ऊपर पड़ रही है. व्हाट दे आर रिफ्लेक्टिंग, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और यू कैन से येलो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. एंड द टू टू फॉर्म दे, दोनों मिक्स होके वो ये पर्पल कलर दे रहे. डू यू गेट मी, कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इट इज ग्रीन लाइट एज वेल एज येलो लाइट. इनमें कई तरह के पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल भी है, दूसरे पिगमेंट्स भी है, जिसकी वजह से जब वो दो कलर्स मिले तो हमें ये पर्पल कलर के नजर आने शुरू हो गए. इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन और डार्क ऑरेंज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें मरून से लीव्स जो है वो दिख रहे हैं. तो जो डिफरेंटली कलर लीव्स है, पहली बात तो जो ग्रीन लीव्स है उनमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल. वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है. बट जो डिफरेंट कलर के लीव्स है क्या उनमें क्लोरोफिल है कि नहीं, दे हैव क्लोरोफिल. एंड इन एडिशन टू क्लोरोफिल दे हैव अदर पिगमेंट्स ऑल्सो विच रिफ्लेक्ट अदर लाइट ड्यू टू विच दे अपियर डिफरेंटली. तो हम कोई भी कलर कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण देखते हैं. इज इट ओके, चलिए जी. सेवंथ बी, अपूर्वा, अपूर्वा इज देयर, अपने असाइनमेंट लेके आओ. सेवंथ बी अपूर्वा, जल्दी से अपनी असाइनमेंट लेके आओ और क्वेश्चन नंबर वन का आंसर दो बेटा. जल्दी से माइक के पास आओ, फटाफट भाग कर आना. द लाइट विच रीचेस अर्थ इज, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलना है. अगर बोलना है कंप्लीट सनलाइट विजिबल इंफ्रारेड की यूवी, बाकी नहीं बोलेंगे. दे आर, जोर से. सेवन पी, इधर स्क्रीन की तरफ देखो, मुझे फिंगर से बताओ, 1 2 3 की 4 कौन सा आंसर है. इट इज टू, विजिबल रेडिएशन. वेरी गुड, बैठो बैठो. सो इट इज ओनली विजिबल रेडिएशन विच रीचेस द अर्थ. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर टू, सेवंथ सी, हरनीत, हरनीत भाग कर बेटा. हरनीत इज देयर, सेवंथ सी. लीव्स अपीयर ग्रीन एज देयर, दे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट की अब्सॉर्ब. हाँ जी हरनीत, यहीं से बोलो बेटा, जोर से बोलना. ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बेटा. हरनीत बैठो बेटा. इट इज देयर रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट. वेरी गुड. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज बाय रेड एंड ब्लू लाइट. यस, सेवंथ जी.
सेवंथ जी में से बेटा तेजस्वी, सेवंथ जी तेजस्वी, जल्दी से बेटा बेटा कौन सी लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी, जो एब्जॉर्ब हो रही है कि जो रिफ्लेक्ट हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो क्या कर रही है? एस क्लोरोफिल, क्या करेंगे आंसर, क्या करेंगे? कौन सी ब्लू रेड लाइट को वो क्या कर रहे हैं? लीव एब्जॉर्ब, बिल्कुल ठीक है तेजस्वी, बैठो बेटा, दे एब्जॉर्ब, क्वेश्चन नंबर थ्री इज एब्जॉर्ब। क्वेश्चन नंबर फोर, सेवंथ एफ, अमनप्रीत, अमनप्रीत आगे आ जाओ बेटा। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है, व्हाट इज दिस, ये ग्राफ क्या है, ठहरो, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑक्सीजन बबल्स। बेटा आपको ये पता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, प्रोड्यूस होती है, तो बेटा मुझे ये बताओ अमनप्रीत की भाई, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, सॉरी, जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, कि ऑक्सीजन कम लिबरेट होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, मोर द फोटोसिंथेसिस मोर द ऑक्सीजन। अब आप नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी लाइट दी हुई है बेटा, ये अगर आप देखेंगे, दिस इज रेट ऑफ ऑक्सीजन बबल्स इन सनलाइट, दिस इज इन रेड लाइट, दिस इज ब्लू लाइट एंड दिस इज ग्रीन लाइट। तो मुझे बताइए मैक्सिमम ऑक्सीजन बबल्स किस में निकल रही है बच्चे? रेड में निकल रहे हैं बेटा, बस सेवंथ एफ के स्टूडेंट बताएंगे, इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस में है बच्चे? रेड में है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, स्टडी द, बैठो बेटा, वेरी गुड, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ, टेल विच वेवलेंथ ऑफ लाइट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम अकर्स इन रेड लाइट। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, रेड कलर्ड लीव्स है बेटा, ये मैं बता देती हूँ, दे हैव बोथ एंथोसियानिन्स एंड क्लोरोफिल। एंथोसियानिन इज ए डिफरेंटली कलर्ड पिगमेंट, येलो कलर्ड, ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट, क्लोरोफिल तो है ही है, एंथोसियानिन्स भी है। यस, प्लांट्स विद, हाथ खड़ा करोगे जल्दी से, प्लांट्स विद रेड और पर्पल लीव्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम, सेवंथ ए, सेवंथ ए, मिडल रो, सेकंड बेंच। हाँ जल्दी से आ जाओ, माइक के पास जोर से बोलना है, आई होप आपकी आवाज मेरे तक पहुंचेगी। हाँ इट इज, हाँ दोबारा से, फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चाहे रेड कलर के लीव्स हो या पर्पल कलर के लीव्स हो, दे हैव क्लोरोफिल, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। चलिए जी, पहले हम रीजन असर्शन नहीं, अभी हम, चलिए रीजन असर्शन भी करें बेटा, आपको इनकी ऑप्शंस पता है रीजन असर्शन की? Yes. चार ऑप्शंस होती है, पता है आपको कि नहीं? Yes. चलिए अब मुझे ये बताइए, पर्पल लीव्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल बट डू नॉट अपियर ग्रीन, यस और नो? ठीक है कि ट्रू की फॉल्स? ट्रू है, अदर पिगमेंट सप्रेसेस ग्रीन कलर, ट्रू और फॉल्स? दिस इज ऑल्सो ट्रू बेटा, दूसरे पर्पल लीव्स है, दूसरे कलर्स ने ग्रीन कलर को सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम बिकॉज करके देखें, पर्पल लीव्स डू नॉट अपियर ग्रीन बिकॉज अदर पिगमेंट सप्रेसेस ग्रीन कलर, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, द रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। आंसर बताओ क्या होगा, ए बी सी की डी? ए, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, लिख लो, बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, ऑप्शन ए। बेटा सबसे लास्ट पेज पे देखोगे ना, तो ये ऑप्शन दी हुई है, तो किसी को नहीं पता हो तो वहां से देख लेना।
लास्ट पेज, लास्ट दिस पेज। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 9। बेटा जो हम इक्वेशन लिखते हैं दैट इज CO2 वाटर, क्या बना? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो बेटा ये सबस्ट्रेट्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट्स। और जो राइट साइड में जो बनता है इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। तो फोटोसिंथेसिस में सबस्ट्रेट्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है। सो आंसर ए इज करेक्ट, 9। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है, केमिकल के फिजिकल? केमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि नया प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। केमिकल प्रोसेसेस, अभी आप इसमें करेंगे केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेसेस आर दोस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बिल्कुल डिफरेंट है। हम बेटा अगर हम लेट अस से अगर हम इस कागज को फाड़ते हैं, इज इट ए फिजिकल के केमिकल प्रोसेस? फिजिकल है बेटा, क्योंकि कागज तो कागज ही रहा, कुछ नया तो बना नहीं, सो इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। बट यहाँ पे ग्लूकोज बना है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। इट्स ए न्यू प्रोडक्ट, देयरफॉर इट्स ए केमिकल प्रोसेस, इरिवर्सिबल। ग्लूकोज टूट के ये नहीं बनता, ठीक है? इट इज इरिवर्सिबल। सो आंसर इज केमिकल रिएक्शन एज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, ऑप्शन बीटा बॉम्बे वाला जो है दैट इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? रिलीज थोड़ी होती है बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फोटोसिंथेसिस में, अंदर अंदर एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? बिल्कुल एंडो, अंदर जा रही है एनर्जी, तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, 11th इज एंडोथर्मिक। एंड यू नो क्वेश्चन नंबर 12, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 13, 7th ए बताओगे सारे इकट्ठे, एनवायरमेंट की हेल्थ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है बेटा? एनवायरमेंट की हेल्थ पूछा है, इसमें ऑल द अबव नहीं लिख देना है। वैसे फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ऑल द अबव है, बट हमारा एनवायरमेंट के लिए क्या है कि इट कंट्रोल्स एयर पोल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट ओके? आज जो हमने करवाया वो समझ में आया? मुझे बताओ क्या सारी, सिर्फ सेवंथ जी बताएगी, सेवंथ जी क्या सारी सनलाइट अर्थ पे आती है? नो, सेवंथ सी, सेवंथ सी कौन सी रेडिएशन अर्थ पे पहुंचती है? बिल्कुल ठीक है, अगर हम मेरा सूट अगर रेड नजर आ रहा है तो क्या मेरे सूट रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है? सेवंथ बी, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो लीव्स किस पिगमेंट के कारण जो है वो ग्रीन है, कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर की एब्जॉर्ब ग्रीन कलर? रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर, एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू कलर। विच लाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन की रेड? रेड लाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज ए प्रोडक्ट की सबस्ट्रेट?
इट इज ए प्रोडक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस इज ए सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट. इट इज सबस्ट्रेट. दिस इज सबस्ट्रेट. चलिए अब आप थक भी गए होंगे एंड इट्स ओवर हमारा मॉड्यूल आज का. सो आवर मॉड्यूल इज ओवर राइट. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. ठीक है. ओके बेटा. आई ऑल्सो एंजॉयड विद यू. राइट. ओके. वी विल डिस्कस द अदर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टुमारो. राइट. ओके बेटा. बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू टीचर. थैंक यू कोऑर्डिनेटर.